हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस क्लासेस विथ सचिन। आज आम पढ़ीम यारे अध्याय नम्बर सात आकाशर कथा। तुम लोग मुकलि ठाईर ऊपर चाले जी देखा पा जाए आकाश। आकाशर रंग के धुनिया नीला देखी और के मेघे शुकुला मेघे आवरी थकिले आकाश बगा देखी और जैसे डावरिया हुई बरखुण दियार आग मुहूर्त आकाश कला कला देखी है तुम लोग देखिसेने। तो आज आम आकाश और आकाशर सौरजगत थका विभिन्न ग्रह नक्षत्र ये सकोबूर विषय पढ़ पाम। तो दिन आकाश नीला देखी है किंतु राति राति आकाश किसुमान उज्जवल बस्तु देखा पा जाए। उज्जवल बस्तुबूरे हुई ज्योतिष्क निजा पोहर थका ज्योतिष्क सूर्य। जीवर ज्योतिष्क निजा पोहर थके तरा बा नक्षत्र बोले और जीवर ज्योतिष्क निजा पोहर नाथके ग्रह बा उपग्रह बोले। तरा बा नक्षत्र निजा पोहर आसे और ग्रह बा उपग्रह निजा पोहर नाय। मनत राखिबा तरा बा नक्षत्र निजा पोहर आसे आनहाते ग्रह और उपग्रहबूर निजा पोहर नाय। और आमार ऊसरत थका नक्षत्र तो होइसे सूर्य नक्षत्र बुली नक तुम लोग तरा बुली कब पारे तरा मान नक्षत्र नक्षत्र मान तरा। आम ऊर थका नक्षत्र तरा तो सूर्य। आम खाली चकुरे फरकाल राति आकाश लाले क्या बहुत तरा देखने पा जाए। हे तरब पृथ्वी पर बहुत हजार हजार किलोमीटर दूर आ सेबाबे तराबूर एक बारे सौ देखी आम खाली चकुरे आकाश तीन हजार मान तरा देख। तार पे चुना जो आकाशर सको उज्जवल बस्तुर नाम ज्योतिष्क निजा पोहर थकाबूर तरा बा नक्षत्र ग्रह बा उपग्रह निजा पोहर ना। तो यार पिछत आम बुझीम सौरजगत। सौरजगत मानी सूर्य चारिफाले आठटा ग्रह सूर्यक केन्द्र कर घूरी आसे। एक ग्रह कई बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनास और नेपचून। सूर्य तरा ग्रह उपग्रह ये सकोबूरक एक सौरजगत क्या है। आकाश थका सूर्य तरा ग्रह उपग्रह ये सकोबूरक एक सौरजगत क्या है। इतना यह छवि मन करा मजते आसे यू सूर्य और सूर्य एक बारे ऊर थका ग्रह तो बुध और सूर्य एक बारे दूर थका ग्रह तो नेपचून। और सौरजगत थका ग्रहबूर भर आटको ग्रह तो बुध और आटको डांगर ग्रह तो बृहस्पति। मन रखा यूर कथा के गधूल सन्धिया समय तुम लोग पश्चिम आकाश एक उज्जवल तरा देखिसेने। केतियाबा साबासुन पश्चिम आकाशत धुनिया फरकाल होय थका समय तेतिया आकाशत एटा उज्जवल तरा देखी सेइ तराटो होइसे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह तो पृथ्वीर परा ऊसरत थका बाबे आमि खाली चकुरे देखा पाऊं। एइ ग्रहटोक आमि भूता तरा बुली कौ हयना। तोमालोके कोआ शुनिसा निश्चय सन्धिया भूता तरा एक डांगर तरा आम पश्चिम आकाश देखा पाँ। सी तरा तो
শুক্র গ্রহ। ইয়ার পিছত আমি বুঝিম সূর্যর বিষয়ে। সূর্যটো বাৰু আমাৰ পৰা কিমান দূৰত আছে? সূর্যটো পৃথিৱীৰ পৰা অর্থাৎ আমাৰ পৰা বহুত দূৰত আছে, হয়নে? আৰু আমি দেখা সূর্যটো যদিও আমি পৃথিৱীৰ পৰা সৰু যেন পাওঁ, কিন্তু সূর্যটো আচলতে পৃথিৱীতকৈ বহু গুণে ডাঙৰ হয়। সূর্যটো পৃথিৱীতকৈ প্ৰায় 109 গুণ ডাঙৰ। আৰু আমাৰ পৰা অর্থাৎ পৃথিৱীৰ পৰা সূর্যৰ দূৰত্ব হৈছে 15 কোটি কিলোমিটাৰ। মনত ৰাখিবা যে পৃথিৱীৰ পৰা সূর্যৰ দূৰত্ব হৈছে 15 কোটি কিলোমিটাৰ। সূর্যটো অনবৰতে জ্বলি থাকে আৰু ইয়াৰ পৃথিৱীখন বৰ গৰম, সেইবাবে ইয়াৰ পৰা তাপ আৰু পোহৰ ওলাই থাকে। সূর্যৰ পৰা আমি কি পাওঁ? তাপ আৰু পোহৰ পাওঁ। আৰু পৃথিৱীৰ জীৱৰ বাবে তাপ আৰু পোহৰ অতি বেছি দরকারি। সূর্যটো নাথাকিলে পৃথিৱীত জীৱ জীয়াই নাথাকিলেহেঁতেন। সূর্য একমাত্র পৃথিৱীৰ বাবে প্রাকৃতিক তাপ আৰু পোহৰ শক্তিৰ উৎস। ইয়াৰ পিছত আমি বুজিম চন্দ্ৰৰ বিষয়ে। চন্দ্ৰৰ বিষয়ে এই ইয়াৰে নেক্সট পাৰ্টৰ ভিডিঅ'ত লৈ আহিম, ঠিক আছে?